हे गाइस, कैसे हो आप लोग। A2Y ऑटो टेक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। तो न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि आज संडे यानी कि 14 जनवरी को मैं तकरीबन 7 से 8 बजे इवनिंग में मैं लाइव आऊँगा। तो सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि जब मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ है, वह है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। रॉयल इनफील्ड हिमालयन का स्पेशल एडिशन लॉन्च हो गया है और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइज, आप बताओ कि आपको ये कलर कैसा लगा। मुझे तो देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सेकंड न्यूज़ बजाज की तरफ से है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बजाज अपनी एवेंजर की नए मॉडल को लॉन्च करने वाला है। एवेंजर 220 स्ट्रीट और एवेंजर 220 क्रूज़ के न्यू मॉडल को सामने लाने वाला है, लॉन्च करने वाला है। तो बजाज ने अनवील कर दिया है ये दो नए मॉडल्स, जो कि जिसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा और न्यू इसकी कलर स्कीम मिलेगी और साथ ही साथ में आपको कुछ न्यू लुक्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे थर्ड न्यूज़ KTM की तरफ से है। जैसा कि आपको पता होगा, KTM 390 के इंडिया में केवल एक ही कलर है, रेड कलर। तो अभी KTM 390 का एक और कलर लॉन्च हो गया है, जो कि है वाइट कलर। और गाइज, ये मुझे पर्सनली रेड कलर से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और आपको बता दूं कि ये अपने इंडिया में भी शायद MSK भाई यानी कि मोहम्मद सलीम खान के पास ये वाइट कलर पहले से ही था। अब उन्हें वो कलर कैसे मिला, ये वही बता सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि MSK कौन है, अगर आप मोटो ब्लॉगिंग के फ़ैन होंगे, अगर आप मोटो ब्लॉग्स देखते होंगे, तो आप डेफिनेटली उनको जानते होंगे। और यहाँ पे फोर्थ न्यू ट्रायम्फ की तरफ से है। ट्रायम्फ अपना 15th डीलरशिप आउटलेट खोल दिया है, जो कि गोरेगांव हरियाणा में है। और यहाँ पे फिफ्थ न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यमहा लवर के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, कि यमहा जो FZS का FI वर्जन था, उसमें अभी तक केवल सिंगल डिस्क ही मिलता था। तो बहुत लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ दिक्कत होती थी कि सिंगल डिस्क है, उसमें भी डुअल डिस्क का ऑप्शन होना चाहिए। तो फाइनली अब यमहा ने FZS FI वर्जन में डुअल डिस्क का ऑप्शन दे दिया है और साथ ही साथ में इसमें न्यू कलर स्कीम भी मिलती है, न्यू कलर ग्राफिक्स मिलते हैं। और इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो है 86,000। और बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जो अभी तक जो यमहा का सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट था, जो उसमें फीचर्स थे, जो उसमें इंजन थी, जो परफॉर्मेंस थी, सेम वही परफॉर्मेंस मिलने वाली है। बस एक्स्ट्रा इसमें ये है कि आपको कुछ नए ग्राफिक्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ में आपको डुअल डिस्क मिलेगा। तो हाँ, ABS इसमें अभी भी अवेलेबल नहीं है। और नेक्स्ट न्यूज़ है कावासाकी की तरफ से। कावासाकी निंजा 650 2018 का न्यू कलर स्कीम लॉन्च हो गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है TVS की तरफ से। TVS विक्टर का प्रीमियम एडिशन लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको न्यू कलर स्कीम मिलेगी, न्यू ग्राफिक डिज़ाइन मिलेगी और पुराने वाले वर्जन से थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आपको मिलेगा। और नेक्स्ट न्यूज़ बजाज की तरफ से है। बजाज डोमिनार 400 के 3 नए कलर लॉन्च हो गए हैं। जब मैंने डोमिनार खरीदी थी, तब ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि नए कलर लॉन्च होने वाले हैं, तो मैं भी थोड़ा सा वेट कर लेता है ना, वैसे कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 3 नए कलर लॉन्च हुए हैं। एक हुआ है रेड, एक हुआ है मैट ब्लैक और एक हुआ है ब्लू कलर। वैसे मैट ब्लैक कलर पहले भी था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और चेंज है। जैसे इसमें जो स्विंग आर्म है, फ्रेम है, वो सारी चीज़ें आपको ब्लैक कलर की मिलेगी। इंजन का जो कवरिंग है, वो भी डार्क ब्लैक हो गई है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं और लुक वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव तीनों लग रही हैं। और यहाँ पे अगर पर्सनली मुझे देखा जाए तो रेड कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और गाइस, इन तीनों में से आपको कौन सा कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और नेक्स्ट न्यूज़ भी बजाज की ही तरफ से है। बजाज डिस्कवर 110 और बजाज डिस्कवर 125 इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। और यहाँ पे डिस्कवर 110 की एक शोरूम प्राइस है 50,500 और डिस्कवर 125 की प्राइस है 53,500। तो गाइज, अगर आप 110 से लेकर के 125 cc की सेगमेंट की बाइक सर्च कर रहे थे, तो अब आपको दो और ऑप्शन मिल गए हैं। और 10th न्यूज़ ये है कि एक 22 नाम की कोई फॉरेन की कंपनी है, जो कि इंडिया में भी नई बाइक लॉन्च करने का प्लान कर रही है ना, फ्यूचर में लॉन्च करेगी। और ये थोड़ा सा मोपेट टाइप की बाइक है, मोपेट है। और इसकी जो प्राइस उन लोगों ने डिसाइड किया है, ये 60,000 के आसपास है। बाकी यार, आने के बाद ही पता लगने वाला है कि कितनी प्राइस होगी, कब लॉन्च होगा, वो सब तो बाद में ही पता लगेगा। बस यही अभी न्यूज़ थी, तो मैंने आपको बता दी। तो गाइज, ये है आज की न्यूज़। और इनमें से जो सबसे मेन न्यूज़ मुझे लगी, वो है कि यमहा FZS का आपको डुअल डिस्क ऑप्शन मिल गया और KTM 390 का एक वाइट कलर मिल गया। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।